नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे आज बात करने वाला हूँ कैशबिन कंपनी के बारे में। प्लीज वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच कीजिएगा। आप लोग से बता दूं, अक्सर लोग कैशबिन कंपनी से लोन लेते हैं। लोन लेने के टाइम बहुत सारे इंटरेस्ट पे भी करते हैं और उनको इमरजेंसी रहता है तभी वो लोन लेते भी हैं। जब लोन टाइम पर पे नहीं करते हैं तो कैशबिन कंपनी टाइम के पहले आपके घर पे और आपको कॉल करके बहुत सारी गालियां देना चालू कर देती हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई लोग, अगर आप भी, आपको लोन का बहुत इमरजेंसी है, अगर आप भी लोन लेने के लिए सोच रहे हैं कैशबिन कंपनी से, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप कैशबिन कंपनी से तभी लोन लेना जब उनका एमआई अगर आप टाइम पर दे सको, तभी आप लोन लेना, नहीं तो आप लोन के लिए अप्लाई मत करना। कैशबिन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई रूल कोई नियम नहीं है। एक कंपनी इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो एक दुश्मन अपने पड़ोसी से भी नहीं लेता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से नहीं लेता है। एक कंपनी का एक रूल ये बन चुका है, अगर आप उनका एक दिन भी लेट करते हो तो एक कंपनी आपसे 150 रुपए से लेके 250 के बीच में आपसे एक दिन का इंटरेस्ट ले रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 1500 रुपए इनसे लोन ले रहे हो तो ये कंपनी आपसे 1500 रुपए का पैसा एक हफ्ते के अंदर आपसे 3500-4000 रुपया ये ले रही है। तो भाई लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज आप लोग सावधान हो जाइए। आप लोग अगर इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी है, मौत और जिंदगी का सवाल है, तभी आप कैशबिन कंपनी से लोन लेना। और कैशबिन कंपनी से लोन लेते टाइम आप एक बातों का ध्यान देना, लोन लेने के बाद अपने मन में एक बात सोच लेना, अगर आप उनका टाइम पर एमआई पे करो तभी आप उनसे लोन लो। अगर आप टाइम पर एमआई पे नहीं कर पा रहे हो तो गाली सुनने के लिए प्लस अधिक इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार रहो। अगर आप उनका कॉल रिसीव नहीं करोगे तो आपके मोबाइल में जितने मोबाइल नंबर हैं वो सारे नंबर को अपने पास वो कर ले रहे हैं, आपका जो नंबर है, आपका जो डेटा है, अपने पास ट्रांसफर कर ले रहे हैं और कॉल कर करके गंदी गंदी गालियां, बहुत सारी बातें करेंगे। मैंने भी 15,200 रुपए का लोन लिया, ये हमसे 1947 रुपए प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, 351 रुपए जीएसटी प्लस 338 रुपए इंटरेस्ट, तो हमसे 17,836 रुपए ये हमसे ले रहे हैं 15,200 रुपए का। तो भाई क्या है कि बहुत इमरजेंसी था मुझे, इसलिए मैंने लिया ये पैसा, एक लोग को देना था और बोले कि आप हमें लोन लेकर दे दो, मैं इतना पैसा पे करूंगा, हमारे एक फ्रेंड थे, तब मैंने लेकर उनको दिया। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोन लेना तो आप लोग एक गलती मत करना, लोन लेते टाइम आप कैशबिन कंपनी से उनका जो इंटरेस्ट है उस पे ध्यान देना। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप किसी से कर्ज लेके काम चला लो, एक रोटी कम खाओ, पर कैशबिन से लोन मत लेना। इस कंपनी कोई रूल नहीं है, ये कंपनी ने अपने अबाउट में साफ साफ मेंशन करके लिखा है कि मैं आपको 90 दिन से लेके 1 साल का टाइम दूंगा, सब चीज दिखा रखा है अपने अबाउट में। और ये कंपनी अगर 15 दिन आपको टाइम देती है, 15 दिन से 2 दिन पहले आपके पास रिमाइंडर कॉल नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा, आपका जीना हराम कर देगा। समझ जाओ कि आपका जीना तो जीना हराम कर ही देगा, प्लस अगर आप एक दिन भी लेट करते हो तो माँ बहन इतनी सारी गंदी गंदी गालियां, ये पता नहीं कहां से कस्टमर केयर वालों को लेकर आए हैं, वहां पे एक लेडीज को गाली दे रही है, ये लड़कियां वहां पे कस्टमर केयर में जॉब करती हैं, ये भी गाली दे रही हैं। मैं बहुत सारे ऐसे ऑडियो कॉल सुना हूँ यूट्यूब पर, इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, अगर कैशबिन कंपनी को आपको बंद करवाना है, चाहते हो कि ये कंपनी मार्केट में रन ना करे, तो भाई लोग आप लोग YouTube पर रिकॉर्डिंग मत डालो, आप लोग प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर कमेंट करो, आप लोग वहां पे कमेंट करोगे, वहां पे रेट करोगे, तो ये कंपनी शायद बहुत जल्दी मार्केट से हट सके। भाई लोग, एक दूसरे का रिकॉर्डिंग डालने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी कंपनी से लोन लेते हो तो टाइम पर एमआई पे करो, अगर टाइम पर एमआई पे नहीं कर सकते हो तो आप उस कंपनी से लोन लो ही मत। देखिए मैं आपको एक बातें बता रहा हूँ, कंपनी को नंबर वन कौन बना रहा है, आप बना रहे हो, आप नंबर वन बनाते हो, बाद में गाली भी देते हो।
तो जब आप नंबर बनाते टाइम नहीं सोचे तो फिर गाली क्यों देते हो? तो भाई मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, जो कंपनी आपसे इतना इंटरेस्ट ले रही है उस कंपनी से लोन मत लो। मैं सभी भाई से निवेदन करता हूँ, प्लीज ऐसा गलती मत करना। अगर आप 1500 का लोन लोगे, 60,000 रुपए का लालच देके 1500 का लोन एक कंपनी दे देगी और आपसे इंटरेस्ट सूल करेगी। बाद में जो आपसे पैसा सूल कर लेगी, आपका पैसा आपको ही देगी और आपसे ही लूटेगी। और बाद में पैसा अगर एक दिन लेट करोगे तो आपकी माँ बहन बेटी इतनी साली गाली देगी कि वैसी गाली आपने अपने लाइफ में नहीं सुना होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो भाई लोग मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, और मैं भी लोन लिया हूँ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट एक कंपनी ले रही है, बस इतना ही बताना था आपको। सावधान रहो और आप लोग किसी का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मत डालो, प्ले स्टोर में जाके आप कमेंट करो। अगर आपका एक कमेंट किसी की जिंदगी बचा सकती है, प्लीज आप लोग अगर इंडियन हो, अगर आप लोग अपने देश की रक्षा करना चाहते हो, तो वो तो रक्षा नहीं कर रहा है, तो लूट रहा है, कम से कम आप लोग भाई भाई मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करो। और एक कंपनी को नंबर वन आप लोग बनाए हो तो आप लोग गिरा भी सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस इतना ही बताना था। तो आप लोग सावधान रहो, अवेयर रहो, लोन मत लो कैशबिन से। कैशबिन लूट रही है, बहुत ज्यादा लूट रही है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ, सावधान रहो। अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम पर EMI पे करो, नहीं पे कर सकते हो तो लोन लो ही मत। लोन लेने के बाद गाली सुनने की इच्छा है तभी आप गाली सुनो, नहीं तो सावधान हो जाओ। एक कंपनी की रूल ही नहीं है, एक कंपनी का रूल कौन सा है मुझे कंपनी बताए, मैं कैशबिन वालों सॉल्व करता हूँ, प्लीज आप मुझे बताओ। कहा कि RBI का रूल है, RBI ने कब आपको बताया था? अपना दिखाओ, फॉर्म दिखाओ, कहाँ पे लिखा है RBI ने कि एक पर्सन अगर एक दिन लेट करता है तो आप उसे इतना इंटरेस्ट लोगे, इतना प्रोसेसिंग फीस लोगे, बताओ मुझे प्लीज। आप लोग ये लूटना बंद करो, ये गलती बंद करो। आप लोग लूट रहे हो, आप लोग यार इंडियन नहीं लगते हो, आप लोग तो लूटने आए हो। दूसरे देश के लोग हम लोग को इतना नहीं लूटते हैं जितना आप लूट रहे हो, आप लोग लूट रहे हो। तो भाई लोग मैं कैशबिन के कस्टमर केयर वालों से और जो भी उनके यूजर हैं, मैं सबको सावधान करना चाहता हूँ कि भाई लोग कैशबिन को नंबर आपने बनाया तो आप ही गिरा सकते हो, मेरा आपसे ही कहना था। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। बस इतना ही कहना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।